देखिए नाजरीन, अब इस बैल का इस गधी पे दिल आ गया है, अब वो इसके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन लगता है इस तरह है कि इस बैल को गधी की दो लती जो गधे की मशहूर होती हैं वो लगी हुई है, इसलिए ये बैल हिचकिचा रहा है, पीछे खड़ा हुआ है शराफत से, कुछ कर नहीं रहा है। जैसे कोशिश कर रहा है गधी पूंछ हिलाती है और वो पीछे हट जाता है। इसको बड़ी दो लती लगी हैं तो देखें इसने अपना इरादा चेंज कर दिया और वो बचत हो गई। अब आप अगली क्लिप में देखिएगा कि इस नाकाम कोशिश के बाद बिल क्या गुल खिलाता है, देखिए आप। तो देखिए नाजरीन, ये बैल गधे की सोबत में रहता था, अब ये अपनी आवाज़ से भी गया, ये मैं की जगह अब ये गधे की आवाज़ निकाल रहा है, सुनिए आप। तो नाज़रीन, सोबत बहुत ज़रूरी है कि आप किसकी सोबत में उठते बैठते हैं उसका असर आप पे ज़रूर पड़ेगा। और अगर आप गधों की सोबत में रहते हैं तो या तो आप अपने आवाज़ से जाएंगे या कभी ना कभी आपको गधे की दौलती ज़रूर लगेगी। ये जो लाल रंग का नीचे सब्सक्राइब का बटन जो आपको नज़र आ रहा है उसको हाथ लगाकर क्लिक कर दें तो वो लाल से ग्रे कलर का हो जाएगा, करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। अब आप इस क्लिप में देखें, ये बैल गधे की सोबत में रहती है, अब गधे ने देखें कितनी चालाकी से उसकी पूंछ पकड़ी हुई है और उसको तंग कर रहा है और पीछे घूम रहा है। बैल जो है उसको लात मारने की कोशिश कर रही है लेकिन लात लग नहीं रही है क्योंकि गधा बहुत चालाक है और वो बैल बेवकूफ़ है क्योंकि वो गधे की सोबत में रहती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? जिंदगी हाँ,